नमस्ते दोस्तों, अनीस इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम यह बताएंगे कि हमारी मशीन लगातार अगर कई दिनों तक खड़ी रह जाती है तो एयर बनाना छोड़ देती है और यह हमेशा ठंडी के दिनों में ज़्यादा होता है। इस स्थिति से निपटने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के तुरंत बाद रेस पर, फुल रेस पर पैर रखें और कुछ देर तक ऐसे ही रेस देते रहें। आप देखेंगे कि आपका एयर बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी गाड़ी होती है उसका जो कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर में कचरा आ जाता है या वो जो हमारी छिकनी होती है उसमें भी कचरा आ जाता है और जब हम फुल रेस देते हैं तब वह कचरा दूर हट जाता है और गाड़ी एयर बनाने लगती है। लेकिन अगर यह सब करने के बाद भी एयर ना बनाए तो हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तब हम सबसे पहले अपने कंप्रेसर को चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर एयर बना रहा है कि नहीं। उसके बाद यह जो कंप्रेसर से पाइप आ रही है और यह आकर देखिए एयर के कंट्रोल वाल्व में लग रही है, जिसको छिकनी के नाम से भी जाना जाता है। इस छिकनी के सभी पाइपों को चेक करेंगे कि यह कहीं से लीकेज तो नहीं है। इन पाइपों के लीकेज को चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक बोतल को आधा काट कर उसमें सरफ और पानी घोल कर एक कपड़े से जब हम इन पाइपों पर लगाएंगे तब जहां से लीकेज रहेगा वहां बुलबुला निकलने लगेगा। यदि छिकनी के इन पाइपों में भी कहीं लीकेज नहीं है तब हम यह जो डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है इसको चेक करेंगे कि यह सभी टंकियों में एयर दे रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि यह इसका ओरिंग खराब हो जाने से यह सभी टंकियों में बराबर एयर नहीं देता है, इसलिए इसको चेक करेंगे। यदि यह बराबर एयर दे रहा होगा तब हम यह जो टंकियां दी हुई हैं इन टंकियों के ये जो वाल हैं इनको भी चेक करेंगे, क्योंकि यहां से भी लीकेज होता रहता है। इसके लीकेज को बंद करने के लिए हमें इसमें खोल कर और अंदर टेफ्लॉन टेप लगाकर फिर हल्का सा ग्रीस लगाकर इसको बंद कर देते हैं तब यह लीकेज बंद हो जाता है। अगर इतना करने के बाद भी लीकेज बंद नहीं हो रहा है, फिर भी एयर निकल रहा है या एयर नहीं बन रहा है, तब हम अपने यह जो छिकनी है इसके अंदर के किट को चेंज करेंगे तब एयर बनना चालू हो जाएगा। अगर इसके अंदर के किट को भी चेंज करने पर एयर नहीं बन रहा है इस स्थिति में हम यह जो ब्रेक पैडल है इसको दबाकर चेक करेंगे कि कहीं इसके
नीचे से तो एयर नहीं निकल रहा है, क्योंकि यह भी देखा जाता है कि इसका भी ओरिंग कट जाने से एयर यहाँ से भी लीकेज होता रहता है। इसलिए इसके किट को अगर हम डाल देंगे तो एयर निकलना बंद हो जाएगा। ऐसी ही फराना से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।